यमेरन्नभस्तावद्दिमान सत्संकुलः दिवौकशा सदाराणाम औत्सुक्यम अभृतात्मनाम। उस समय देवता देवी विमानों पर बैठकर लीला देख रहे हैं। ये 1000 चतुर्युग भगवान का महाराज चला है, जल में थल में नम में। ब्रह्मा जी भी आए हैं, उन्हें प्रवेश नहीं मिला। नारद जी नारदी के रूप में राधा कुंड में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हुए, तब रासमंडल का दर्शन किया। भगवान शंकर ने भी गोपी वेश बनाया और रासमंडल में प्रवेश हुआ। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी वेश बनायो, स्वयं भगवान शंकर गोपी वेश में। देखिए स्वयं भगवान काम दानकारी भगवान शिव, आज भगवान अपने इष्ट देव कृष्ण की लीला देखने के लिए गोपी बनकर आए हैं। भगवान ने उनका पूजन किया है और वहीं एक सुंदर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, महाराज गोपेश्वर महादेव। रामावतार में रामेश्वर महादेव, कृष्णावतार में गोपेश्वर महादेव की स्थापना की है। प्रेम से बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। कामदेव शरणागत हुआ, पराजित हो गया है, आगे भगवान का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। और इधर जो है रासलीला पूर्ण होती है, गोपिकाएं भगवत गुणगान करते हुए चल पड़ी। शेषनाग शारदा भी हजारों वर्षों तक इसका गुणगान नहीं कर सकते हैं, समय की एक अवधि है, इसलिए समय अवधि के अंतर्गत आप श्रवण करें। तो महाराज श्री सुखदेव जी लिखते हैं, विक्रीडितम ब्रजवधू, व्यास भगवान लिखते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शुणयाद अथ वर्णेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं हृदरोग्य बाष्पहिनोति अचिरेण धीरा। ये महाराज भगवान कृष्ण और गोपिकाओं का महाराज जो श्रद्धा से भरकर सुनते हैं, कहते हैं भक्तिम पराम भगवत, उन्हें भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है, हृदय के रोग विकार दूर होते हैं और भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त होता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और गोपिकाएं भगवान का स्मरण करते हुए चली हैं, गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। सुखदेव जी कहते हैं ये कोई संसार का व्यक्ति इसका अनुकरण न करे, क्योंकि शंकर जी एक घड़ा विष पी जाते हैं, कोई एक चुल्लू विष पिएगा तो समाप्त हो जाएगा। ये ईश्वर नारायण पूर्ण ब्रह्म की लीला है, इसको भक्ति से सुनो और उसका भजन करो, ध्यान करो। महाराज गोपिकाएं अपने भवनों को पधारी हैं और इधर भगवान श्याम सुंदर ब्रज में गए। और इधर मथुरा में वो राक्षसादम कंस कहता है कि मैंने बहुत से राक्षस भेजे, इन कोई भी वापस खबर देने तक नहीं आया। अनेक राक्षसों का वध भगवान कृष्ण बलराम ने किया है, उनका वध हम कैसे करें, कैसे विनाश कराएं। तो उसी समय देवर्षि नारद आ गए, उन्होंने कहा कंस तुम धनुष यज्ञ करो, धनुष यज्ञ में यही कृष्ण बलराम को बुलाओ। भगवान परशुराम द्वारा दिया हुआ विशाल का धनुष जो दिग्विजय के समय परशुराम जी ने दिया था, और कहा था कंस जिस वीर पुंगव के द्वारा धनुष टूट जाएगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो विशाल धनुष वेदिका पर स्थापित कराओ, यही कृष्ण बलराम को बुलाओ, उनका वध करो। ऐसा सिखा दिया नारद जी ने, नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। और अब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा तुम्हें जाना है मथुरा, कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है, मैं उनका वध करूंगा। अक्रूर जी कहते हैं हे राजाधिराज महाराज, मनुष्य मनोरथ तो बहुत करता लेकिन संपूर्ण उसके मनोरथ पूर्ण नहीं होते, ईश्वर की इच्छा ही बलवान है, तथापि मैं आपका भृत्य हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रातः काल अक्रूर चले, अक्रूरोपी 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 चताम रात्रिम मधुपुर्याम महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रेयौ नंद गोकुलम। महाराज अक्रूर ब्रह्म बेला में उठे और चल पड़े रथ पर बैठ करके गोकुल की ओर। मार्ग में जाते हुए सोचते हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यधिते दत्तम दक्षान्यद्य केशवम।
कि मया चरितम भद्रम, मेरे द्वारा कौन सा कल्याणकारी आचरण किया गया है। कल्याणकारी आचरण से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भजन कोई करे और आचरण उसका ठीक न हो, झूठ बहुत बोलता हूं, माला घुमावे और झूठ का कारोबार करे। कुछ लोग झूठ बहुत बोलते हैं, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबे ना। अरे जब से मोबाइल आ गया तो झूठ का सर्टिफिकेट हो गया। बैठे घर में है, अगर हम तो भैया बंबई में है। बहुत हमने एक को जाके पकड़ा, तुम बंबई में हो, कलाकार था। हम कहे तुम बंबई में हो कि घर में बैठे। मैंने धोखा देना हो तो मोबाइल से धोखा दे देते हैं, कहते कि हम वहां आई नहीं सकते। झूठ बोलने का इनका पेशा। बहुत लोग तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति में कदई पूरी नहीं। ते नर पामर पाप में दे दरे मन जात। तो महाराज ये कहते सदाचार बहुत प्रिय है भगवान। सदाचारी व्यक्ति बहुत प्रिय है। आज अक्रूर कहते मेरे द्वारा जरूर कोई अच्छा आचरण हुआ है, कल्याणकारी कार्य हुआ है, कल्याणकारी कोई आचरण हुआ है। सत्यम बद धर्मम चर स्वाध्याय मां परमदा का आचरण मैंने मेरे द्वारा हुआ है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अवश्य में वो मैंने कोई तपस्या की है जिसका फल आज गोविंद मिलेंगे। किम वाथाप्यते दत्तम, मैंने किसी सतपुरुष विद्वान को ज्ञानी को दान किया है। दान का फल भगवान का दर्शन है। दान का फल भगवान का दर्शन है। मैंने कुछ दान किया है जिसका फल आज भगवान मिलेंगे। क्या मुझे भगवान मिलेंगे? भक्त को बड़ा दैन्य भाव होता है। भरत जी जब भगवान से मिलने गए तो सोचते हैं कि कहीं हमारा आना सुन के वो दूर न चले जाए। ऐसे ये क्रूर सोचते हैं क्या भगवान हमें मिलेंगे। मैवम ममाधमस्यापि स्याद अच्युत दर्शनम। विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। मैं तो बड़ा अधम हूं, क्या मुझे भगवान मिलेंगे। मैवम ममाधमस्यापि स्यात् अच्युत दर्शनम। मुझ अधम को क्या अच्युत मिलेंगे? अक्रूर अधम नहीं है। अक्रूर जी अधम नहीं है, महान भक्त है तू। लेकिन ये जो भक्त होते हैं ना, ये भक्त अपने को बहुत दीनहीन कहते हैं, दीनहीन। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, बुद्धि बताम वरिष्ठम है, और क्या कहते हैं। एक मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विषाद दीन बंधु भगवान। एक तो मैं बड़ा मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, न वो कुटिल है न मोहवश। कहहु कवन मैं परम कुलीना। कहहु कवन मैं परम कुलीना। कपि चंचल सबही विधीना। कपि चंचल सबही विधीना। कहहु कवन अस में अधम सखा सुन ताहू पैर घुबीर।
कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। महाराज भरत कहते कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद गवारी, तिन मह में मति मंद गवारी, विधि स्तुति करम तुम्हारी, स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़म किनारी, अधम जाति में जड़म किनारी। ये दैन्य भाव से भरे हुए न शिवरी अधम है न जड़ है न नारी जड़ होती है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं मतिबंद गवार, ये महान जो भक्त होते हैं विद्वान होते हैं ज्ञानी होते हैं ये बहुत विनम्र होते हैं और बड़े दीन भाव में स्थित रहते हैं, दैन्य भाव। जितना अधिक वैभव जितनी अधिक विद्या उतनी अधिक विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। जिन बादलों में जल होता है वो बहुत नीचे आ जाते हैं, बरस ही जलद भूमि निराय जथा नव ही बुध विद्या पाए। विद्वान का आभूषण है विनम्रता, विद्वता हो अकड़ हो घमंड हो क्रोध हो तो विद्वता वो दूषण है भूषण में। जिन वृक्षों में फल होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी भवंति नम्रास्तरवा फलोद्गमय, तरुओं में फल लगते हैं तो नीचे डाले आती हैं, ऐसे ही सत्पुरुषा समृद्ध भी अनुद्धता भवन उद्धता उद्दंडता छोड़ देते हैं। पहले कभी रहे होंगे लेकिन जब से बहुत समृद्ध हो गए अब बहुत सरल हो गए, बड़ी सरलता आ जाती साधुता आ जाती। तो महाराज भवंती नम्र नम्र विनम्र दीन है दैन्य भाव में भरे हुए। महाराज अक्रूर कहते हैं मैं तो बड़ा दीन हूं मैं तो बड़ा अधम हूं, क्या मुझे अधम को भगवान मानेंगे? मैवम ममाधमस्यापि स्यादच्युत दर्शनम, क्या मुझे अधम को भगवान मिलेंगे? अहो मैं भगवान का मुख देखूंगा कहीं चरा कर लौट रहे होंगे भगवान, हिरण उनका पीतांबर दांतों में दबा करके उनके चारों ओर घूम रहे होंगे, उस समय मैं भगवान का मुखारविंद देखूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम प्रदक्षिणम मे प्रचरन्ति वै मृगा, बहुत से मृग प्रदक्षिणा कर रहे होंगे भगवान, मोर नाच रहे होंगे उनको देखकर, ऐसे गोविंद का हम दर्शन करेंगे। तो मथुरा से गोकुल के निकट आ गए लेकिन भाव आया नहीं, नहीं वो कंस उनका वध करा देगा, तो फिर वापस रथ घुमा दिया मथुरा को, मथुरा से गोकुल गोकुल से मथुरा, अंत में निर्णय लिया वो नारायण है, गर्ग जी ने कहा था वो भगवान है, नारद जी ने बताया था, तो भगवान का दर्शन मिलेगा। सायंकालीन बेला में पहुंचे जिस समय तो भगवान गोदोहन बेला थी गुमे लेकर लौट रहे थे। ददर्श रामं च कृष्णं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं उर्वे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ।
ऐसे भगवान को देखा। सुंदर पीताम्बरधारी हैं कन्हैया, नीलाम्बरधारी बलराम, श्याम गौर दोनों बंधुओं को देखा तो रथ से ही वंदना की। गोधूल धूषरित कोमल कांत वैशम गोपाल बालक शतैरनु गम्यमान सायंतने निज गृहे पशुबंधनार्थम गच्छन्तम् अच्युत शिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गोधूल से दूषित कोमल कांत कलेवर कृष्ण को देखा तो रथ से कूद पड़े और चरणों में दंडवत किए। रथातूर्णम अवप्लुत शोक्रूरः स्नेह विह्वला पपात चरणों पान्ति दंडवत राम कृष्ण। कृष्ण बलराम के चरणों में लौट गए। चाचा हैं ये, लेकिन वो जानते हैं भगवान हैं, तो चरणों में लेट गए। अक्रूर जी को उठाया भगवान ने, हृदय से लगाया, चाचा क्या समाचार है मेरी माता देवकी के और पिता वसुदेव के। रोने लगे कन्हैया, कर्म विपाक कंस की मारी दीन देवकी वह चिरकाल कहती रहती कारागृह में कहां गया मम अष्टम लाल। लव के अर्गलाओं में जकड़ दिया है क्रूर कंस ने देवकी वसुदेव। भगवान बोले, चाचा क्रूर दिन दूर नहीं जब राक्षसाधम कंस का पर्वताकार शरीर रक्त रंजित होकर धरा पर गिरेगा और मानवता का ध्वज गगन मंडल में लहरा जाएगा। वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा गगन मंडल में लहराएगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। निशाचरहीन वसुंधरा कर देंगे भगवान। और उस समय सायंकालीन बेला में लिवाल आए हैं भवन में। नंद बाबा ने बड़े प्रेम से मित्र की तरह स्वागत किया है। सांझ समय अक्रूर ने कही नंद से बात, धनुष यज्ञ को देखने मथुरा चलिए प्रात। ये आज्ञा है मथुरेश की, अवश्य चले ही आए, कृष्ण और बलराम को अवश्य साथ में मिलाए। और यदि कृष्ण बलराम को नहीं भेजोगे तो कंस पूरी तुम्हारी ब्रजभूमि को नष्ट करा देगा, ब्रज गांव में आग लगवा देगा। आज बाबा सोच रहे, अवश्य कंस के हृदय में कोई विचार है, खोट है, जो मेरे दूध में छोने कृष्ण बलराम को बुला रहा है। लेकिन यदि हम भेजेंगे नहीं तो वो हमारी ब्रजभूमि को नष्ट करा देगा, गांव में आग लगवा देगा। इसलिए बड़े ही उदास भाव से बाबा ने आज्ञा दी। ये बात भी यशोदा को जब मालूम हुई तो माता का हृदय सूख गया और माता नेत्र में अश्रु भरे बाबा से बोली, क्या मथुरा नगरी जाएंगे नार की कंस के सन्मुख, ये उस नीच नराधम नर पिशाच निंदित नृशंस के सन्मुख, ये जिसे पाकर के हम पुत्रवती हुई है वो मेरा लाल मथुरा चला जाएगा और फिर वो कंस बुला रहा है। वह तो विख्यात निशाचर है, निर्दयी बधिक हत्यारा है, देवकी बहन के पुत्रों को उसने गिन गिन कर मारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा घनश्याम नयन का तारा है, ये कहीं नहीं अब जाएंगे, मैंने तो यही विचारा है। माता धार बहाती है, रोती है। महाराज नंद बाबा ने समझाया, यशोदा त्याग करना ही जीवन का सर्वोत्तम गुण है। यदि हम अपने प्राण प्यारे पुत्रों को नहीं भेजूंगा मथुरा तो कंस ब्रजभूमि में आग लगवा देगा, ब्रज 84 कोष नष्ट करा देगा, इसलिए अब भेजना ही समीचीन है, उचित है। मैया रोती रही। प्रभात हुआ, ब्रह्म वेला में भगवान नित्य नियम से निवृत्त, और इसके बाद में मैया को ढांढस बंधाया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। रोती मैया को ढांढस बंधाया, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया रोती रही और देखो यहाँ झूठा ढांढस दे रहे, परसों परसों क्या, बरसों बीत गई है आए नहीं। बलराम जी तो एक बार आए हैं लेकिन ये नहीं आए। परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। अब रोना नहीं मैया, ढांढस दिया मैया को,
और कृष्ण बलराम चाचा क्रूर के रथ पर आकर बैठे। नंदबाबा बोले तुम चलो हम पीछे से आ जाएं। जो ही रथ हाँकने को हुए प्रस्तुत क्रूर, ये बात गोपिकाओं को मालूम हो गई। वह आई, उन्होंने रथ को चारों तरफ से घेर लिया। जिनके जीवन धन भगवान है, जिनके जीवन प्राण भगवान कृष्ण है, आज वो जा रहे हैं। तो आज गोपिकाओं ने रथ को घेर लिया और रोने लगे और ब्रह्मा को दोष देते हुए बोले, रथ के आगे लेट गई, घोड़ों की लगाम पकड़ ली, विधाता को दोष देने लगी, रोने लगी। अहो विधाता न तब क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, कांचा कृतार्थान विनियुंक्ष पार्थकम्, विक्रीरितम् तेरभक चेष्टितम् यथा। अहो विधाता, हे ब्रह्मा, न तब कुचित दया, तुम्हारे हृदय में किंचित दया का लेश नहीं। हमारे और कृष्ण के बीच अनन्य अनुराग जोड़ा। अहो विधाता, न तब कुचित दया, संबंध इस प्रकार से जोड़ा प्रेम, और उसे ऐसे तोड़ रहे हो जैसे बालक मिट्टी का घर बनावे और बिगाड़ दे। ये उचित नहीं किया विधाता था। नंद नंदन का प्रेम क्षणिक नहीं हो सकता। ते अर्भक चेष्टितम, बालकों के जैसे घरौंदे के समान तुमने हमारे कृष्ण के प्रेम को तोड़ दिया। नंद सुनु क्षण भंग से हृदय, नंद नंदन का प्रेम क्षणिक नहीं हो सकता। एक बात बताओ सखी, ये जो रथ पर बैठे हैं राजसी परिवेश में, ये कौन है? लिवाने जो आए हैं बोले इनका नाम अक्रूर है। बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। हाँ मनी नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट न हो, लेकिन ये तो बहुत दुष्ट है। अक्रूर के पास गई, बोले आज तुम्हारा हम नाम बदले दे रहे हैं, तुम अक्रूर नहीं, तुम बड़े क्रूर हो। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्याश्मनः चक्षुरिह दत्तम हर्षे बदाग्यवत, अक्रूर तुम बड़े क्रूर हो, हमारे नेत्रों को लिए जा रहे हो, हमारे नेत्र है कृष्ण बलराम, उन्हें तुम लिए जा रहे हो। और कन्हैया से बोली, कन्हैया हमारा तो जीवन तुम्हें ही समर्पित था, प्रभात से लेकर रात पर्यंत तुम्हारा ही नाम लेकर गृह कार्य करती थी, यो दोहने अवनने मथनों पले, प्रत्येक कार्य में तुम्हारा नाम लेती थी। अब बताओ हम ब्रज में कैसे रहेंगे गोविंद, अब किसके लिए मटकियों में माखन हम रोज जमाएंगी, किसकी मुरली सुनने को हम कुंजों में दौड़ी जाए। तुम मथुरावासी होते हो तो ब्रज में पूर्ण अंधेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, ब्रज सचमुच भूतों का डेरा है, इसलिए रोकिए रथ अपना, मथुरा न जाइए मनमोहन, अन्यथा हमें भी साथ साथ अपने ले चलिए मनमोहन, रथ से आओ उतर ऐ मेरे मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। रथ से आओ उतर ऐ मेरे मुरलीधर, रथ से आओ उतर ऐ मेरे मुरलीधर, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, नैन की कोठरी में बसा लूंगी मैं, नैन की कोठरी में बसा लूंगी मैं, और पलकों का ताला लगा लूंगी मैं, और पलकों का ताला लगा लूंगी।
ब्रज चंद्र घन श्याम देखो कहीं, ब्रज से ब्रज चंद्र घन श्याम देखो कहीं, जाने देगी न राधा गुजरिया श्रज्जलज्जाम रुरुदुष्मसुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। आज ब्रजांगनाएं लज्जा का त्याग करके कृष्ण की ओर से जिनका मन बड़ा ही दुखी हो गया है, विषक्त हो गया है, आज उस समय लज्जा का त्याग कर जोर जोर से रोने लगी। रोने में भी क्या कहती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोपिकाओं, तुम देवियां हो, वेदों की ऋचाएं हो, हम भूमि धारण करने आए हैं, अब रास लीला हो चुकी, दुष्ट दलन की लीला होने दो, अनुग्रह की लीला हो चुकी, निग्रह की लीला होने दो, दुष्टों का हमें विनाश करना है, अब हमारा मार्ग छोड़ दो। हे ब्रजबालाओ विश्वास करो, मैं कभी न तुमसे न्यारा हूं, अब तक भी रहा तुम्हारा ही, आगे भी सदा तुम्हारा हूं, इसलिए हटो रथ जाने दो, रहने दो मन में ही मन की, ब्रज जननी की है शपथ तुम्हें, सौगंध तुम्हें ब्रज नंदन की। और अपनी शपथ दे दी तो आज गोपिकाओं ने मार्ग छोड़ दिया और महाराज ने रथ हवा की तरह भगा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मगनाशिनी, हवा की तरह भागता हुआ चला है। गोपिकाएं रथ की उल्टी धूल देखती रह गईं और उस समय रथ यमुना के तट पर आकर रुका। कालिंदी मगनाशिनी, कृष्ण बलराम ने आचमन किया, रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी ने स्नान किया यमुना मैया में और जो ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने तो जल के भीतर एक दृश्य देखा। सहस्र शीर्षम देवम सहस्रफण मौलिनम नीलांबर विश्वेतम श्रृंगई श्वेतम अवस्थितम। अक्रूर जी ने देखा कि जल के भीतर शेषनांग जी हैं, 1000 फण वाले शेषनांग शोभायमान हो रहे हैं जल के भीतर और उनके फणों पर मणियां जगमगा रही हैं, श्वेत वर्ण है शेषनांग जी का। सहस्र शीर्षम देवम सहस्रफण मौलिनम नीलांबर विश्वेतम श्रृंगई श्वेतम अवस्थितम। और फिर तस्योत संगे घन श्यामम पीत कौशे वाशसम पुरुषम चतुर्भुजम शांतम पद्म पत्रारुणे क्षणम। ऐसे देखा भगवान गोविंद को, उनकी सुंदर शैया पर चतुर्भुज भगवान पीतांबरधारी चतुर्भुज नारायण का दर्शन। अब तो अक्रूर जी ने देखा कि जल में मैं कैसा दृश्य देख रहा हूं, ऐसा अद्भुत दृश्य अक्रूर जी को भगवान ने दिखा दिया है। उछले रथ पर देखा कृष्ण बलराम नहीं है, वहां पर तो महाराज श्री शेषनांग की शैया पर नारायण है। रथ पर भी वही दृश्य है। फिर डुबकी लगाई तो जल में भी भगवान शेष नारायण और अनंत भगवान नारायण शोभायमान। फिर उछले तो रथ पर भी नारायण और शेषनांग, शेषनांग पर नारायण का दर्शन। ओहो, जिन्हें कभी मनुष्य मानने का भ्रम हो रहा था कि साक्षात नारायण है, बलराम शेषावतार हैं, कन्हैया नारायण हैं। वंदना की है क्रूर जी ने, बड़ी सुंदर वंदना, पापनाशिनी भक्तिदायी वंदना कर रहे हैं। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषम आदिमव्ययम् इन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशीत यत् देशलोकः। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुं, हे अखिल जगत के हेतु, वाय समवाय असमवाय कारण, हे कारणातीत, हे सबके कारण और कारणातीत, आपको प्रणाम है। अखिल जगत के हेतु, जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले, श्रृंगार करने वाले,
नारायण जगन नियंता सर्वाधार सर्वनियामक सर्वसत्तावान तुम्हें प्रणाम है। नतोष्मि हम अहम नतोष्मि, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, दंडवत करता हूँ। तू अखिल है, तू है तुम नारायण, नारा नारायणाम भक्तानाम हृदय एनम यस्य सा नारायण। भक्तों का हृदय ही जिनका निवास है ऐसे नारायण। नारा अब क्षीर सागरे निवसत या सा क्षीर सागरे एनम यस्य सा नारायण, क्षीर सागर में जो निवास करते हैं वो नारायण। नारायणम पुरुषम, आप पुरुष हैं, बाकी सब प्रकृति है, आप आदि हैं, तुमा देवा पुरुषः पुराणः, आप ही पुरुष हैं और आदि पुरुष हैं भगवान, अव्यय हैं, अविनाशी अक्षर हैं, गुणातीत बुंदातीत भयातीत मन कर्म वाणी से अगम अगोचर अनुभव गम्य अपराधी अखंड अद्वैत भूमा पुरुष ब्रह्म है आप। आपकी ही नाभि से तो कमल निकला है, यन्ना बिजाता अरविंद कोशात, आपकी नाभि से कमल निकला है, उस पर ब्रह्मा विराजित यत एष लोकः, उस पर ब्रह्मा जी महाराज का अवतार हुआ है, जिन्होंने जगत की रचना की है, वंदना की है महाराज अक्रूर जी ने। हे जगन नियंता जगपालक, हे जगन नियंता जगपालक, हे सर्वाधार प्रणाम, हे सर्वाधार प्रणाम, हे सर्वाधार प्रणाम, हे सर्वाधार प्रणाम, इस अग जग के हे संचालक, अग जग के हे संचालक, इस अग जग के हे संचालक, इस अग जग के हे संचालक, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम तुम्हें, बारंबार प्रणाम तुम्हें। हे जगन नियंता जगपालक, हे जगन नियंता जगपालक, जगन नियंता जगपालक, हे जगन नियंता जगपालक, हे सर्वाधार प्रणाम, हे सर्वाधार प्रणाम तुम्हें, सर्वाधार प्रणाम। और प्रणाम करके बाहर निकले भगवान कृष्ण बोले, चाचा अक्रूर अवश्य आपने कोई दृश्य देखा है। अक्रूर कहते भैया हम जान गए तुम्हें, तुम तो साक्षात नारायण हो। अब तो रथनाका मथुरा की नगर सीमा में रथ प्रवेश हुआ, और जो ही नगर सीमा में रथ प्रवेश हुआ भगवान बोले रोक दो, अभी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारे बाबा आ रहे हैं नंद बाबा सखाओं के साथ, तब हम प्रवेश करेंगे। अक्रूर कहते हैं भगवान अपने चरण कमल हमारी कुटिया में डाल दो, तो बोले आएंगे चाचा कंस वध होने के बाद आएंगे। अब वही विश्राम सागर पर रुक गए, विश्राम घाट पर, जहाँ यमराज और यमुना का सुंदर मंदिर है, जहाँ पर भाई बहन स्नान करते हैं साथ में, तो वहाँ भैया दूज को यम का भय नहीं होता, वही द्वारकाधीश का मंदिर है, ऐसे विश्राम घाट, आज भी विश्राम घाट है। विश्राम घाट पर विश्राम किया, और पीछे से आगे नंद उपनंद सानंद महानंद भगवान के सखा, तो बाबा से आज्ञा ली, बाबा मथुरा हम भ्रमण करेंगे, भ्रमण करने का भाव है, बाबा ने आज्ञा दे दी, जाओ सबको दर्शन दे जाओ, सबको कृतार्थ करो। श्री दामा मनसुखा भद्रशयन थोक मद मंगल अर्जुन सुबल सखाओं के साथ बलदाऊ भैया का हाथ पकड़े कन्हैया आज मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे हैं। हारास तारंग तरल गुटिकान कोटिचा संघ शुक्ति, कोटिचा संघ शुक्तियों से सजा हुआ नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वैदूर नीलम मणियों के फर्श कुटिम कनक कपाट सोना स्वर्ण अट्टालिकाएं, ऐसा दृश्य बड़ा सुंदर, कौशे पट्टाम्बरधारी सब वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, वो राक्षस रत्नों से आविष्टित हैं, तो ऐसी सुंदर मथुरा नगरी, तो अब देखा ग्वाल बालों ने हमारे वस्त्र नहीं ठीक है, कन्हैया ने बताया नहीं, वैसे ही बंडी पहने चले आए और कमरिया ओढ़े चले आए, लकुटिया भी लिए हैं साथ में, अब जमुना किनारे गुमे चरा के आए हैं कछारे से रहने वाले, तो देखा वस्त्र नहीं ठीक, भगवान ने विचार किया हमारे भक्तों के मन में उत्तम वस्त्र पहनने की अभिलाषा है, तो अभिलाषा हम पूर्ण करेंगे, भक्तों की अभिलाषा तो हम ही पूर्ण करते हैं, जो कामना वही हम पूर्ण करते हैं, ये था वाम पर तांस तो थी भजाम में। इतने में देखा एक धोबी महोदय बड़ा चौबदार लिए चौब हाथ में,
सब माने चांदी से मढ़ी हुई छड़ी लिए और चला रहा है और 10-20 धोबी राजा कंस के वस्त्रों को धोए बनाए लादे वो धोबियों का सरदार चला रहा है। रजकम कुजिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा आया चतवासांसि धौतानि उत्तमानि च। भगवान ने कहा धोबी मामा ये धौतानि उत्तमानि वस्त्राणि ये धुले हुए उत्तम कौशे पट्टाम्बर हमारे सखाओं को भी दे दो और हमें दे दो हम पहनकर मथुरा भ्रमण करेंगे। धोबी बोला तुम जैसे बनवकस वन में रहने वाले नेचर जीव ये वस्त्र तुम पहनोगे राजा के और सम्राट के वस्त्र वन में गौवे चराने वाले धूल फांकने वाले जंगल है नंगे पाए कांटों में कांकरी में चलने वाले तुम्हें राजा कंस के वस्त्र पहनोगे चना चबेना चबाने वाले तुम्हें वस्त्र पहनोगे है तुम्हारा मुख बना है ये देखा कभी दर्पण में ये वस्त्र तुम पहन सकते हो भला। ऐसी बातें करने लगा धोबी और भगवान से बोला याता सुबालिशा मैम प्रार्थम यदि जीविषा। तुम जीवित रहना चाहते हो कि मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो? अगर जीवित यदि जीविषा अगर जीवित रहना चाहते हो तो अपने प्राणों की भीख हमसे मांगो। भगवान बोले देखो कितना बड़ बोला है। भगवान बोले ठीक है ये वही धोबी है जिसने सीता को लांछन लगाया था। गुप्तचर का वेश बना करके भगवान अर्धरात्रि में घूम रहे थे प्रजा के सुख दुख का हाल जानने के लिए। इतने में एक धोबी ने अपनी पत्नी से कहा अच्छा तुम कहां से आ रही हो दूसरे घर से आ रही हो है? ना हम विभ्रमित्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्री लोभी विव्रयात्रामो सीताम ना हम बजे पुनः। ये भागवत के 9 स्कंद में है। 9 स्कंद के ये 10वें अध्याय में अंतिम चरण में ये श्लोक लिखा है। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा ना हम विभर्मि त्वाम अहम न विभर्मि तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा असतीम तू सती नहीं है पर वेश मगाम दूसरे के घर से आ रही है स्त्री लोभी ना हम रामो मैं स्त्री लोभी राम नहीं हूँ त्वाम न विभर्मि तुझे नहीं रखूंगा। उन्होंने सीता को रख लिया रावण के घर में रहने वाली सीता को ऐसा कहा। भगवान ओढ़े कंबल और चुपचाप आधी रात में दूसरे मोहल्ला में पहुंचे कि देखें यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। आग ताप रहे थे अलाव उन्होंने भी ऐसा ही कहा करने करने जपन जना। जिन अयोध्या वासियों के लिए भगवान ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणमयी हम न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। यद्यपि सोने की लंका है लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती मेरी वो अयोध्या जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश सरजू बह पावनी मम धाम दापुरी सुखराशी अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। वो अयोध्या वासी कहते हैं हो सकता है वो सीता रावण के घर में रही है। ऐसे इति लोकाद मुखात श्रुत्वा बहुत मुखों से बात निकली। ये अपयश की बुराई की बातें कुछ लोग दुष्प्रचार बहुत करते हैं है? वो हवा की तरह आग की तरह उड़ाते हैं महाराज। ऐसा ही भगवान कृष्ण का लोकापवाद करने करने जपन जना करने करने जपन तो भगवान ने सीता का परित्याग कर दिया था। महाराज व्यास भगवान लिखते हैं सीता का परित्याग उन्होंने कर दिया था करने करने जपन जना। और हमारे बीच में श्री महेश जी त्रिवेदी विधायक किदवई नगर क्षेत्र के तो पधारे हुए हैं बिराजी। अब तो देवी सरकार से भगवान ने कहा ये वही धोबी है आज इसे छोड़ूंगा नहीं। रजकस्य कराग्रेण शिराकाया दपादयति तो भगवान ने ऐसे गदेली निकाली और धोबी के गर्दन में रगड़ दी। धोबी का कंठ कट करके दूर गिरा और धोबी बोले इनकी गदेली ही तलवार और वस्त्र फेंक करके भाग खड़े हुए। भगवान ने कहा वस्त्र पहन लो अपने अपने अनुसार सबने वस्त्र कुछ भगवान ने भी वस्त्र लिए बढ़िया रत्नों से जड़े हुए। बलराम ने भी लिए सखाओं ने भी लिए अजब पहने सखाओं ने वस्त्र तो इतने ढीले की मार्ग साफ होता जा रहा।
तो एक दर्जी का घर मिला। ततस्तु बायको प्रीतर तयोर वेशम कल्पयत। बायक नामक दर्जी ने जब देखा भगवान के सखाओं के वस्त्र बड़े ढीले ढाले हैं, तो अच्छे ढंग से सिल करके पहना दिया। जब वस्त्रों को अच्छे ढंग से सिल करके पहना दिया, भगवान बायक दर्जी से प्रसन्न हो गए। तस्य प्रसन्नो भगवान। भगवान बोले, बायक तुमने हमारे सखाओं की सेवा की है। सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो संतों की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, विद्वानों की सेवा करे, तो भगवान कहते हैं ये हमारे अंग हैं, ये हमारे शरीर हैं। हरे तनु, ये भगवान के शरीर हैं। गाय है, ब्राह्मण है, संत है, ये भगवान के शरीर हैं। भगवान कहते तुमने हमारे शरीर की ही पूजा की है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। सखाओं की सेवा कर दी, केवल वस्त्र ठीक से सिल दिए, भगवान प्रसन्न हो गए। मांग लो जो भी चाहो। वो मांगना नहीं चाहता, कहता सेवा का मूल्य नहीं चाहते भगवान, सेवा का मूल्य नहीं चाहते। तस्य प्रसन्नो भगवान। अच्छा तुम निष्काम हो, तो मैं तुम्हें अपना स्वरूप देता हूँ, अपना चतुर्भुज रूप देता हूँ और अपना धाम वैकुंठ देता हूँ, मेरे गण बनकर रहोगे। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात स्वरूपम आत्मनः। आत्मनः स्वरूपम प्रादात, अपना ही रूप दे दिया चतुर्भुज, जो गीत को दिया था जटायु को, वही रूप अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर दिया है उस बायक दर्जी को, और सुंदर विमान पर बैठा कर बायक को वैकुंठ भेज दिया। लोग गोविंद भगवान की जय। अब आगे चले भगवान, तो सुदामा नामक माली पहले से ही भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण बलराम के उसने चरण पखारे और आसनों पर बैठाला, तिलक लगाया, पूजा की, और इसके बाद सुंदर सुंदर मालाएं भगवान कृष्ण बलराम के कंठ में, सखाओं के कंठ में पहनाई। भगवान बोले, सुदामा, ये सुदामा माली है, वो ब्राह्मण दूसरे कलकत्ता हो, सुदामा वरदान मांग लो। सुदामा ने कहा, भगवान हम आपकी अचल अविरल पराभक्ति चाहते। उसने भक्ति मांगी भगवान से। भगवान ने सुदामा को भक्ति प्रदान की, माली थी। आगे चले ग्वाल बाल, सोच रहे वस्त्र भी बढ़िया हो गए, चंदन की खौर भी लग गई, लेकिन अगर वो माला भी पड़ गई, लेकिन चंदन की खौर और लग जाए तो बड़ा आनंद हो। तो अब चंदन लगाने वाली भी चली आ रही हैं, अर्थात ब्रजन राज पथेन माधव स्त्रिय गृहीतांग विलेप भाजन बिलोक कुबजान इवतीन वरान नाम प्रपच्छ जामतीम प्रहसन रसप्रदा। उस समय पर राजमार्ग से भगवान जा रहे हैं माधव कृष्ण, तो अथ ब्रजन राज पथेन माधव, तो स्त्रिय गृहीतांग, देखा एक नारी आ रही है, विलेप भाजनम चंदन का पात्र लिए, स्वर्ण पात्र में चंदन लिए आ रही है, और ये कुबजा है, कुबड़ इसके निकला है, विलोक कुबजाम युवतीम बराना, ये सुंदर मुख वाली है, युवतीम बराना प्रपच्छयांतीम प्रहसन रसप्रदः। भगवान रसप्रद है, रसप्रद भगवान मुस्कुराते हुए कुब्जा से बोले, का तुम बदोरु, का तुम बदोरु बेपथुयानु लेपनमु कश्यांगने मा कथयस्व साधुना दे आवयोरंग बिलेप मुत्तमम श्रेयस्ततो नो अचिराद भविष्यति। का तुम देवी, तुम कौन हो, हे बरोरु, हे सुंदरी, तुम कौन हो, ये चंदन किसके लगाने के लिए लिए जा रही हो, कौन हो तुम, परिचय दो, किसके लिए लिए जाती हो, यह पूजा की थाली, यह कह कर ना जाने कैसे मुस्काए बनमाले। मुस्करा करके बनमाली कन्हैया ने पूछा, का तुम बरोरु वे तदुहानुले पनम
कश्यंग ने वा कथय सुसाधुना। कौन हो तुम देवी? देहि आवयो रंग बिलेप मुत्तम। आवयो रंग, हमारे भैया दाऊ जी और हमारे माथे पर चंदन लगा दो, कुब्जा तुम्हारा बड़ा श्रेय होगा, परम कल्याण होगा। कुब्जा बोली, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपते अति प्रियं, विनायवाम को अन्यं तदर्हति। हे श्याम सुंदर, दासस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, मैं राजा कंस की दासी हूँ और कंस के चंदन लगाने की सेवा करती हूँ। मद भावितम भोजपते अति प्रियम, मद चर्चितम चंदनम भोजपते कंसम अति प्रियम। मेरे द्वारा लगाया चंदन कंस को बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बिना युवाम को अन्यम तदर्हति, अब तुम्हारे अलावा तुम दोनों के अतिरिक्त ये चंदन का कोई अधिकारी हमें जान नहीं पड़ रहा। अभी तक तो राक्षस की सेवा में जीवन व्यर्थ चला गया, कि तुम्हारे भाल पर हम चंदन लगाएंगे। कन्हैया के चंदन लगा दिया, बलदाऊ भैया के चंदन लगाया, सखाओं के लगाया, घूम कर चलने लगी तो भगवान बोले, ठहरो कुब्जा। तस्य प्रसन्नो भगवान, भगवान प्रसन्न हो गए। तस्य प्रसन्नो भगवान त्रिवक्त्राम रुचिरारणाम, रिज्वी कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम। भगवान अपने दर्शनों का फल देना चाहते हैं कुब्जा को। और उस समय अब कुब्जा से बोले, ठहरो कुब्जा। कुब्जा एक बार भगवान के जीवन में आई थी। कब आई थी तो बड़ा सुंदर वर्णन है, पंचवटी सो गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बार, देख बिकल भई जुगुल कुमारा, देख बिकल भई जुगुल कुमारा। रावण की भगिनी शूर्पणखा, ये पंचवटी गई, सुंदर रूप बना करके भगवान राम के पास गई और बोली, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।